कितना बड़ा जाला है ये। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई मज़ेदार वीडियो के अंदर। आज मैं आया हुआ हूँ हिसार घट्टा लेक, जो बेंगलोर में पड़ती है, और ये उसके पास का ही एक रास्ता है जो उसके बगल से जा रहा है। और आज मैं अकेला घूमने वाला हूँ वापस। काफ़ी गजब का रूट मैंने प्लान कर रखा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और आगे जाके बताता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पर इक्के दुक्के लोग दिखते हैं और ये रोड फिर सुनसान हो जाता है। पूरे रोड पर मैं ही रहता हूँ फिर, बस शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। सुबह कुछ रात शाम में क्या हसी, शाम में कुछ रात सुबह क्या नहीं। तो अभी के लिए मैंने जो मेन रोड था उसको छोड़ दिया और बगल में एक छोटा सा रोड जा रहा है, मैं अब इस पे जा रहा हूँ। क्योंकि जो मेन रास्ते से जो थोड़ा हटके रास्ता जाता है ना, वो हर बार उसमें कुछ ना कुछ नया या मस्त सा देखने को मिलता ही मिलता है। तो अभी यहाँ पे एक ये सुनसान सा घर सा दिखाया है, मेरे को तो लगता है नहीं कोई वहाँ पे होगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ घास वास उग रखी है ना, उस हिसाब से कोई इसमें आता जाता भी नहीं होगा। अब ये तो बंद पड़ा है पूरा, लेकिन यहाँ आगे भी और भी बहुत सारी बिल्डिंग है। मैप पे तो दिखा रखा है कि इसका नाम है स्टेट पोल्ट्री फार्म, मेरे को तो लगता है अभी शायद से पूरा खाली हो चुका है। ये आ गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जिसको मैं वीरान इलाका बता रहा था, लेकिन यहाँ पे लोग हैं, काम करता है मतलब। अभी ये अपन को जाना अभी इस रास्ते पे। पीछे वाली जो पूरी जगह थी ना, उसके अंदर कुछ घर खाली पड़े थे और कुछ घरों के अंदर लोग अभी रह रहे थे। और तो जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, ये मैप पे जैसे मैंने देखा था उस हिसाब से तो ये निकलेगा खेतों में से। मज़ा आएगा काफ़ी खेतों में से जाने में भी। और इस रास्ते पे अभी मैं बिल्कुल अकेला हूँ, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं आगे चल के जो आज का रूट है वो पूरा बताऊंगा। तो ये देखो रूट, अब मैंने कुछ प्रिपेयर करा है डायग्राम। तो देखो दोस्तों, ये है अपनी हिसार घट्टा लेक, जो पूरे रेक्टेंगुलर शेप की है, जिसमें आधा पार्ट है वो है थोड़ा जंगल जंगल का सा, और आधे पार्ट में है पूरा पानी, और बगल से जा रहा है कि रोड। तो आते समय मैं उतरा था इस रोड पे यहाँ पे। तो अभी इस रोड पे पूरा एक्सप्लोर करते हुए, खेतों वेतों में से हल्का फुल्का रूट इधर लेते हुए, मैं पहुँचूँगा लेक के इस तरफ, और इस तरफ जंगल में से एंट्री करके मेरे को लेक किनारे होते 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 होते, और जंगल में से जो रास्ता उससे होते हुए, मतलब मेरे को पहुँचना है लेक के इस एंड पे। तो यहाँ पे आज जाके जो अपना ये रूट है वो ख़त्म होएगा। तो इस रूट पे काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, चलते हैं आगे। रास्ता बहुत ज़्यादा है लेकिन जोश बिल्कुल हाई है, और आपको भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस तरीके से शायद ही किसी ने हिसार घट्टा लेक को एक्सप्लोर करा हो। तो चलते हैं, देखते हैं कितना ज़्यादा मज़ा आएगा इसके अंदर, जिसकी मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ, मज़ा आने वाला है सच में। यहाँ पे एक और सुनसान सी बिल्डिंग मिली है, ताला भी लगा है, वो ही जंगल का गेट, बस वो बोर्ड नहीं लिखा यहाँ पे आना मना है। और तो देख के भी काफ़ी भूतिया सी जगह लग रही है, लेकिन सोच रहा हूँ एक बार इसे देखना तो चाहिए अंदर से। अंदर तो एंटर हो गया हूँ मैं अभी, बड़ी बड़ी घास हो रखी है, बस कहीं से यहाँ पे शिकारी कुत्ते ना निकल के आ जाएं। बहुत ज़्यादा शांति भाई सच में। वो उधर वाला घर थोड़ा सही सा लग रहा है, शायद से कोई रहता हो। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है जहाँ तक ताला ही बंद मिलेगा, ताला ही बंद है। यही है वो भूतिया जगह, इतनी भूतिया भी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। चलते हैं आगे, ये वाला कच्चा रास्ता जो आगे जा रहा है।
इधर वाले रास्ते पे जाए हैं अभी आगे। ये यहाँ पे है नई वाली बिल्डिंग्स, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। पुराना इलाका था, कुछ भूतिया भूतिया नहीं था, लेकिन अब जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ ये शायद से भूतिया हो सकता है। गूगल मैप पे तो ये वाला रास्ता दिखा रहा है आगे की तरफ का, बस यहाँ पे कोई कुत्ता ना हमला कर दे मेरे ऊपर। मोर था, डरा दिया एकदम। तो ये रास्ता तो यहाँ पे जाके बंद हो रहा है, वापस ही चलना पड़ेगा। और यहाँ अंदर से ना जानवरों की चिल्लाने की सी आवाज़ सी आ रही है, तो मेरे को तो बड़ी ख़तरनाक सी जगह लग रही है। सोचता हूँ अपने मेन रोड पे चल लेते हैं वापस, ऐसी जगह पे ज़्यादा नहीं घूमना। तो भी उस वाली जगह से तो निकल के आ गया मैं। वो कोई नॉर्मल ये एनिमल हस्बेंड्री वाला इलाका है ना, इसलिए सारी चीज़ें उनकी है। एक्सपेरिमेंट व एक्सपेरिमेंट शायद ही कर रहे हों वो, जो भी है कुछ मेडिसिनल पर्पज़ की वजह से ही कर रहे होंगे। अब एनिमल हस्बेंड्री में जानवरों की आवाज़ नहीं आएगी तो किसकी आएगी। यहाँ पे मिला है ये रैबिट फार्म, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओहो, यहाँ तो सच में रैबिट है। तो पीछे देखा रैबिट फार्म, अंदर भी कम से कम जितने पिंजरे थे उस हिसाब से 200 से 300 रैबिट होंगे इस शेड के अंदर। ये जो ये वाला इलाका ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, फार्मिंग से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, पोल्ट्री से रिलेटेड। अब इस वाले रास्ते पे जाना है आगे की तरफ मुझे। देखो ये रहा मेन गेट और मेन रोड। अगर मेन रोड से आता तो मैं इधर शायद ही आ पाता, लेकिन अब पीछे वाले रास्ते से आया तो कहीं पे कोई मेरे को दिक्कत नहीं आने जाने में, तो मैंने बैक एंट्री ली बिना किसी दिक्कत के। और सामने बड़ा सा बरगद का पेड़ भी आ गया है। सुबह के बज चुके हैं 11 और हमने लगभग आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है रोड वाला। और तो धूप होने लग गई है धीरे धीरे, काफी थोड़ी गर्मी भी हो गई ना अभी। ये मेन रोड से एक और डायवर्जन ले लिया है मैंने, ये वाला रास्ता देखते हैं कहाँ लेके जाता है हमें। यहाँ से आगे की तरफ वैसे खुला इलाका दिख तो रहा है, जंगल जंगल सिर्फ यहाँ यहाँ पे ही है। और तो वहाँ से देखो, अगर देख पा रहे हो तो रोशनी दिख रही है पेड़ों के बीच से हल्की हल्की। और यहाँ पे ये आ गए खेत। और देखो कर्नाटका की ये है लाल मिट्टी, नारियल के पेड़ और ये प्यार सा खेत। और तो मैंने अभी बीच में ये लकड़ी भी ले ली थी, थोड़ा यहाँ पे घास वास वाला इलाका है ना, थोड़ा घास वास हटाने के लिए, और अगर कोई जानवर हमला कर दे तो सेल्फ डिफेंस के लिए लकड़ी ज़रूरी है। इस रास्ते पे चलते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगल सफारी पे आ रखा हूँ मैं, लेकिन बस पैदल पैदल घूम रहा हूँ। इस वाले खेत में तो भाई पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रखे हैं, और ये सारे के सारे पेड़ अमरूद के हैं, और एक अमरूद तोड़ लिया मैंने। लाल अमरूद है लाल। भाई सच बता रहा हूँ, यहाँ से जस्ट अभी अभी मैंने एक सांप जाता हुआ देखा है इतनी हरियाली में। ये बात तो है भाई, सांप तो होगा ही होगा। लास्ट में बस जाते हुए मेरे को उसकी पूंछ पूंछ दिखी। सांप का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे तो। और ये वाला रास्ता वापस अपन को अपने मेन रोड पे पहुँचा देगा, फिर वहाँ पे जाके थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, खाते पीते हैं कुछ। मेरे पास दही के 2 पैकेट पड़े हैं अभी।
अभी इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 और धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हाँ, छाया में तो काफ़ी अच्छी हवा आई, ठंडी ठंडी। हाँ, और रोड के बगल में एक घास का मैदान है। सच में इस जगह पे आने के बाद तो ऐसे लग रहा है जैसे टाइम रुक सा गया है। और इस डेयरी के बाहर निकलते ही हमारी जर्नी का आधा पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हमें लेक के जंगल वाले पार्ट में एंटर करना है। दोस्तों, ये है वो वाला जंगल जिसमें से एंट्री मार के मुझे आगे तक जाना है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पूरे रास्ते में हमको बीच बीच में पानी भरा हुआ मिलने वाला है, और वहाँ से जाके है रास्ता। एंट्री मारते हैं जंगल में, फिर देखते हैं हम पहुँच पाते हैं कि नहीं जहाँ पर सोच रखा है। चलो भाई, अपने जंगल वाले रास्ते पर भी आ गए हैं बिना किसी दिक्कत। दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। मेरे को तो लग रहा है काफ़ी मज़ेदार रास्ता होने वाला है ये। अभी 1 बज रहे हैं लगभग, तो मैं सोचता हूँ 3 या 4 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा दूसरे एंड तक। और ये धीरे धीरे हमारा रास्ता छोटा हो गया है, और यहाँ पे मिला है हमको एक बकरा। ये उनका रास्ता है गायों का, क्योंकि पूरे इस रास्ते में गायों के फुटप्रिंट बने पड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा वो यही रास्ता यूज़ करती होंगी, और काफ़ी आगे तक जा रखी हैं वो गाय। ओ, चरती हुई गाय मिली है, और यहाँ पे हमें एक और गाय मिलती है, इसकी मम्मी है शायद से। ओ, एक और गाय। अरे यहाँ तो गाय भरी पड़ी हैं। यहाँ पे एक और तालाब आ गया है, अब इस तालाब के किनारे किनारे आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे रास्ता ख़त्म तो नहीं हुआ ना, लेक के बगल से ये रास्ता मिला है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पे। यार यहाँ पे लेक क्यों आ रही है बीच में ये छोटी। चलो चलते रहते हैं आगे। चलो जब एक प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा ना, जब मिलता हूँ मैं थोड़ी सी देर में आपसे। तो जंगल में जहाँ से एंट्री मारी थी वापस वहाँ पे ही आना पड़ा है, क्योंकि गायों वाला रास्ता वो धोखा दे गया, अब इंसानों वाले रास्ते से जाएंगे। दीवार के सहारे सहारे जा रहा था। साइड जाओ, अंदर में फुल साइड एक ही रास्ता है, उधर में जाट सा भी मिलता है, उसके अंदर सब भी चल जाना है। हाँ, फिर वो मेन रोड दिख जाएगा। मेन रोड में राइट को जाना है। ठीक ठीक। तो वह जो पीछे भैया लोग थे, बोला ये वाला पहुँच जाएगा, पूरा तो नहीं पहुँचाएगा, बीच में जाके हमें जो मेन रोड है एक वो लेना पड़ेगा, लेकिन आधी दूर तक तो जा ही रहा है। अब इस रास्ते पे चलते हैं। सच में भाई, अब सोच सोच के हंसी आ रही है यार, मैं भी कहाँ घुस गया था। पूरा अंदर तक घुस के फिर बाहर आना पड़ा मेरे को। तो इससे क्या सीख मिलती है, गायों के रास्ते को मत फॉलो करना, बीच में ले जाके अटका देंगे गाय। अब बकरियाँ जा रही हैं, बकरियों के रास्ते पे चलते हैं। वैसे है तो इंसानों का भी, लेकिन ये वाला थोड़ा सा मेरे को रिलायबल लग रहा है, क्योंकि भैया ने भी कन्फर्मेशन दे दी है। आज ये भी सच में बड़ा खतरनाक वाला एडवेंचर हो गया है। हाँ, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो वही पीछे कुछ बकरी चराने वाले मिल गए थे, और ये बकरी बैठ गई है। तो इस तरफ पूरा पानी भरा हुआ है, अगर मैं झाड़ों के बीच से जाता तो पक्का यहाँ पे अटक जाता। सच में जानवरों के बनाए रास्ते पे चलने का भी एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। इस रास्ते से जो गाय और बकरियाँ जाती हैं वो थोड़ी रिलायबल मान सकते हैं। आगे वापस हमको गाय दिख रही है। कमाल है, यहाँ पे तो अब एक छोटा सा बैम्बू फॉरेस्ट भी चालू हो गया है। कितना बड़ा जाला है ये। इस तरफ तो अपने रास्ते में पानी भर चुका है, बस ये गाय जो है हमला ना कर दे। ये देखो कितनी बड़ी चीटिंग हुई हमारे साथ, हमारे रास्ते के ऊपर ही पानी भर गया। और यहाँ पे दलदली जमीन है, तो मैं यहाँ पे चलूंगा नहीं, अपना रास्ता अब खुद बनाते हुए आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा दूर है अपना मेन रोड है सर घट्टा लेक वाला, लेकिन अपना रास्ता अब अपन खुद बनाते हैं। ओ भाई, इस बार तो अपना पूरा रास्ता ढक चुका है सच में, लेकिन यहाँ पे ये अच्छी बात है, ज़्यादा
झाड़ वाला इलाका नहीं है, यहाँ पे खुली खुली जगह है, ग्रासलैंड टाइप। यहाँ पे एक ये बड़ा सा घर तो दिखा है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे इतनी बड़ी दीवार इन्हें लगा रखी है, तो यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। चलो लेक के बगल से ये रास्ता तो मिला है, अभी दीवार के सहारे सहारे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे झाड़ बहुत ज़्यादा है सच में। यहाँ भी पानी भर गया है, यहाँ से एक और रास्ता जा रहा है। लास्ट में आके सच्ची बहुत बेकार हो गया रास्ता, सच में यार बहुत ज्यादा कटीला रास्ता हो गया है, हाथ भी छिल गए खूब सारे, लेकिन बस थोड़ा सा और सहन करना है। पूरे रास्ते में जाले भरे पड़े हैं और इतनी बड़ी बड़ी घास आ गई है, देखो यार कैसे निकलूंगा मैं यहाँ से। यहाँ से हल्का सा रास्ता दिख रहा है, झुक के जाते हैं तो कांटे वाले पेड़ ऊपर से टोपी खींच लेते हैं, चल के जाते हैं वैसे खड़े होके सर मुंह पे जाला आ जाता है खूब सारा। यहाँ से निकलना है किसी भी तरीके से। देखो भाई कितने खतरनाक जंगल से आया हूँ मैं जगह भी नहीं है इसमें तो, नॉर्मली अगर कभी देखता तो इससे जाने की सोच भी नहीं सकता था, और देखो इससे ही निकल के आया हूँ पूरा। तो भाई जैसे तैसे इस जंगल से तो निकल के आ गया हूँ, अब लास्ट बाधा है ये, इस दीवार पे चढ़ते ही मैं पहुँच जाऊँगा इंसानों की बस्ती में वापस। इस रास्ते से बोर्ड नहीं जाने वाला, स्कूल में से ही जाना पड़े, अब बस ऊपर चढ़ना है। चलो अभी यहाँ से होते हुए बाहर निकल लेता हूँ, मेन रोड पे चल के मिलता हूँ आपसे। चलो ये आ गया अपना मेन रोड, यहाँ से कूद जाते हैं वहाँ मेन गेट से, वरना कोई मेरे को देख लेगा, और सामने लिखा भी अनऑथराइज एंट्री प्रोहिबिटेड। टाइम रहते निकल लेते हैं बाहर इस रास्ते से। सच बता रहा हूँ भाई, रोड पे आके सच्ची इतना अच्छा लग रहा है, अब इस रोड पे चलना भी कई बार भाई, रोड होना भी हमारे पास कितनी बड़ी बात है। उस जंगल में चलते हुए मेरे को भैया रोड की वैल्यू पता लग गई, सीधा सीधा रास्ता रहता ना इसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन भाई अगर हमारी लाइफ में रोड नहीं होते ना तो इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता जिसे हम सोच भी नहीं सकते। मैंने तो अपने इस छोटे से एक्सपीरियंस से भाई रोड की आज वैल्यू सीख ली। कितना यार कितना प्यारा है तो वैसे जंगल भी प्यारा, लेकिन घना जंगल ज़्यादा प्यारा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भाई इतने घने जंगल से निकल के आना और इस रोड की वैल्यू को इस तरीके से महसूस करना कितनी बड़ी बात है। हर कोई नहीं कर सकता ऐसे महसूस, इसके लिए आपको भी घने जंगल में से जाना पड़ेगा लेकिन कुछ भी कहो यादगार रहेगा आज का दिन। तो दोस्तों इस वक्त मैं जा रहा हूँ थेनारघट्टा लेक के पास, जिसके लिए मैं अभी ये पूरा सीधा सीधा जो रास्ता है उसको यूज़ करूँगा। इससे कुछ देर पहले मैंने एक बहुत ही खतरनाक और चैलेंजिंग रास्ता लिया था, जिसके बाद मेरी अक्कल ठिकाने पे आ चुकी है, लेकिन अब यह बात है जब मैं उस लेक के पास जाके उस लेक को देखूंगा तो मुझे पक्का ऐसा महसूस होगा कि भाई मैंने इस लेक का व्यू ना कमाया है। अपनी जो लेक है लगभग अभी 5 किलोमीटर और दूर है, अभी बजे हैं 3, 1 घंटा है, 5 किलोमीटर में कवर कर सकता हूँ। तो भी इस वक्त अपना मस्त वाला ब्रेक भी हो चुका है, एक पैकेट दही पी के और यहाँ पे बैठ के रेस्ट भी हो गया है। रोड का इस तरफ कुछ ऐसा नज़ारा है और इस तरफ भी कुछ ऐसा नज़ारा है, जिस तरफ देखो रोड का बड़ा ही मस्त नज़ारा है, और ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं ना, इन पेड़ों के उस तरफ अपनी लेक है। ये रोड तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। ये वाला जो रोड है ना हल्का सा बोरिंग है, क्योंकि इस बार रोड पे ज्यादा लोग ही नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं दिखता जल्दी से, सारे इंसान गाड़ी और स्कूटी पे दिखते हैं, क्योंकि वो ये लोग दिखते रहते हैं ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बना रहता है पूरा रास्ता सफ़र, दिमाग इधर उधर इंगेज रहता है हमारा, लेकिन यहाँ तो बस डिस्टेंस कवर करने पे पूरा ध्यान है।
तो आखिरकार अपने धीरे धीरे गाय और लोग भी दिखने चालू हो गए हैं। अब थोड़ा सा मन सा लगने लगा है रास्ते पे। अब बस फाइनल 2 किलोमीटर बाकी है दोस्तों, ओनली 900 मीटर बाकी है। ओह चलो यहाँ से भी ऊपर लेक का नज़ारा देख सकते हैं। नहीं मेन जगह से देखूंगा मैं, कितना मतलब खुला इलाका हो गया अभी। पता है कुछ देर पहले ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी मौसम हो गया था, जिसके चलते उतना मज़ा नहीं आ रहा था। जैसे ही वापस धूप आई है खिलखिलाती हुई और ये हरे हरे पत्तों पे पड़ रही है, मज़ा आने लगा है वापस। यहाँ पे आ गई है लेक, देख लोगों की गाड़ी वाड़ी भी खड़ी है यहाँ पे। नज़ारा देखने में तो मज़ा आ रहा है सच में। थोड़ी देर ये नीचे नारियल के पेड़ वोड़, नारियल के पेड़ नहीं है तो कोई अलग ही पेड़ है, इतने लंबे लंबे खजूर के हैं शायद से। पूरा मस्त नज़ारा हो रखा है नीचे की तरफ। तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे ऑटो नहीं आएगा, क्योंकि इस शहर से बहुत ज़्यादा दूर का पिकअप पॉइंट है, तो मेरे को लगता है जहाँ तक ऑटो मिलेगा वहाँ तक मुझे हिचहाइकिंग करनी पड़ेगी। तो चलते हैं हिचहाइकिंग करते हैं। तो दोस्तों लगभग 6:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था। यहाँ से बस लगभग 3 किलोमीटर और दूर है, तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया, वो लेने आ जाएगा मेरे को। तो ये था आज का दिन, इसमें मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।